मम्मी जी, ये तो खुद छत पे बैठ के रो रहा था, मैं इसे लेकर आई हूँ और इसकी खबर सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। सुहेल को बताया तुमने? बेगम साहिबा, उन्हें सच बताने की तो हिम्मत नहीं थी मुझ में। वो तो मापारा बीबी को इतना प्यार करते थे, अपनी बहनों की तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे उसे ढूंढने के लिए भेजा था। तो क्या कहा तुमने उससे? उनसे तो मैंने एक्सीडेंट का ही कहा है। अच्छा किया ना मम्मी जी, सुहेल तो एक्सीडेंट की खबर सुनते ही निढाल हो गए थे। मापारा खुदकुशी करने के चक्कर में ट्रॉले के आगे आ गई और बेचारी दादी उसको बचाने के चक्कर में वो भी ट्रॉले के आगे आ गई। बहुत एक्सीडेंट करवा लिया और दोनों इस दुनिया से चल बसे। लेकिन सुहेल ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। किसकी बातों में आ रही हो? जानती तो हो शकीला कुछ कहने से पहले सोचती नहीं, मगर दिल की बुरी नहीं है। दिल का बुरा तो कोई भी नहीं होता दादी, ये तो सब दिमाग के करामात है। भाई मुझको तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मैं तो कह रही हूँ मेरे साथ चलकर दो चार जोड़े ले लो। ठीक ही तो कह रही है शकीला, ये चमक दमक के कपड़े मजाक ही ना बन जाए तुम्हारा। तो बनने देना मजाक, अपने ऊपर उठने वाली हर उंगली हर हंसी मुझे मेरी औकात याद दिलाती है। और ये जो पैसे है ना, ये आप शकीला चाची को दे दें, जब तक मेरी सैलरी नहीं आ जाती। कम से कम एक वक्त की रोटी खाने में सर नहीं झुकेगा। पागल हो गई हो क्या? इतनी अच्छी नौकरी लगी है, भूल जाओ सब कुछ, अगले महीने से दे देंगे पैसे। भूलना ही तो नहीं चाहती, अगर आज कपड़े बना लिए ना तो इस मामूली सी नौकरी और थोड़ी सी इज्जत में मुतमईन हो जाऊंगी। क्यों, तुम मुतमईन होना नहीं चाहती? नहीं, मैं पल पल इस आग में जलना चाहती हूँ, अपनी जिल्लत को महसूस करना चाहती हूँ। ये क्या है मापारा? फॉर्म है। कैसा फॉर्म, नौकरी का है? नहीं, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ में मुश्किलों से लड़ने की ताकत है या नहीं। अब रोना बंद करो। क्या कर सकते हैं, किस्मत को यही मंजूर था। किस्मत को इल्जाम मत दे, ये सब उसकी अपनी हरकतों का नतीजा है। शैला,
अब भूल जाओ उसे, वो इस दुनिया में नहीं रही, उसे माफ कर दो। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो उसकी भलाई चाहती थी। शायद उसकी भलाई इसी में थी। लेकिन मेरी फरी को क्यों तकलीफ देती है वो? अब वो किसी को तकलीफ नहीं देगी, अब इस दुनिया में नहीं रही, भूल जाओ उसे। आप क्यों रो रहे? मौत दुश्मन की भी, वो भी तकलीफ देती। हमारे हाथों में पल बढ़कर जवान हो। हाथों में पली थी, लेकिन जो कुछ उसने किया, जहन्नम में जलेगी वो। शैला, खुदा का खौफ करो, तुम अपना दिल साफ करो, माफ कर दो उसे, बस करो। मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगी उसे। उसने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं, मेरा बेटा भी छीन लिया। उसकी वजह से टके टके के लोगों से बातें सुनना पड़ती। चला, भूल जाओ उसे, माफ कर दो, तुम्हें भी सुकून मिल जाए। तुम जुबान से जितना गुस्सा कर लो, लेकिन तुम्हें दुख है उसके मरने का। तुम बेचैन हो, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी तकलीफ को खुशी में बदलने के लिए राहत को वापस आना होगा। तुम्हारी बेकरार ममता को औलाद की गर्मी ही राहत दे सकती है। सालार, सालार देख, तेरी पसंद का कलर लिया था ना, ऐसा अच्छा बना है, पसंद आया तुझे? अरे क्या हूँ, देख ना बता कैसा। हाँ अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। फिर मैं सिलाई कर लेती हूँ उसकी। अब हाय,
यहाँ तो पूरा घर ही मातम कदा बन गया। इसे कहते हैं नैले पर दैला। आपको बड़ा शौक था ना मापारा से मिलने का। अब जाएं कब्रस्तान, फातिहा पढ़े उसके नाम की। ऐसा चक्कर दिया ना सारे घर को कि सारी जिंदगी आंसू रुकेंगे नहीं। और अगर महापारा इनके सामने आ गई तो हैदराबाद ये जाएंगे नहीं और कब्रिस्तान वो आएगी नहीं, तो कहां से सामने आएगी? बिलफर्ज अगर वो आ गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारा क्या हशर करेंगे। अरे मॉम, ये खबर मैं हैदराबाद से ढूंढ कर थोड़ी लाई हूँ जो मेरा हाल बुरा करेंगे। जो भी करेंगे वो उस शकूर के साथ करेंगे, क्योंकि ये खबर तो वो लेकर आया है। फिर भी बेटा, तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत सोच समझ कर बोला है मॉम, वरना ये बंदा इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। फिर भी सुहेल को बचाने का उससे कोई और तरीका भी तो हो सकता था ना। सुहेल को बचाने का? वो बचना चाहते ही कहां थे? मतलब? अरे वो ही तो फंसने के लिए बेकरार हो रहे थे कि मापारा उन्हें फंसा ले। ऐसे नहीं कहो बेटा, तुम्हारा शौहर है वो। शौहर है मगर किरदार का बिल्कुल ठीक नहीं है मॉम। हाजरा, आप कुछ भी कहे मॉम, एक बात मुझे समझ आ गई है। मर्द अगर किसी औरत पे बुरी नजर डाल ले एक बार तो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। और तुमने उसे कब्र का पता दे दिया। मैंने सिर्फ इनकी हवस को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया। फातिहा पढ़ने के लिए कब्र का पता नहीं बताया। बाय, खुदा हाफिज़। तुमने बुलाया था? जी दादी, वो ये कुछ कपड़े लेकर आया था मैं मापारा के लिए, उसे दे दीजिएगा। अरे तो वो कमरे में ही है, तुम खुद दे दो। नहीं दादी, मेरे हाथ से कुछ लेना पसंद नहीं करती, इसलिए आप प्लीज दे दीजिएगा। चल, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। क्या ये? तुम्हारे लिए कपड़े और जूते। लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ क्यों लेकर आए? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? तुम्हें सिर्फ इज्जत से खाना खाने की जरूरत नहीं, बल्कि इज्जत से सर उठाकर स्कूल जाने की भी जरूरत है। मैं अपना सर अपनी मेहनत से उठा लूंगी, उसके लिए मुझे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं है। ओ मैडम, ये मैं कोई फ्री में नहीं दे रहा हूँ, उधार है। पहली तारीख को सैलरी मिलेगी ना, वापस कर देना। और हाँ, वो बिल इसके अंदर मौजूद है, संभाल के रखना। Thank you.
ये क्या मिस मापारा, आज आपका फर्स्ट डे और आज ही आप लेट आई हैं। लेकिन मैम अभी तो क्लास शुरू होने में 10 मिनट हैं। 10 मिनट? मिस मापारा, ये आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है कि ड्यूरिंग असेंबली आने पे लेट काउंट नहीं होगा। मैम मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल से वक्त पर आऊँ। कोशिश नहीं करनी, टाइम पे आना है और टीचर्स का टाइम 7 o'clock का है। अगर 7 o'clock के बाद आएंगी तो लेट काउंट होगा, और जब लेट काउंट होता है तो हाफ डे सैलरी भी डिडक्ट होती है। मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। गुड, जाइए ग्रेड 9 में जाइए और उर्दू का चैप्टर 5 शुरू कीजिए। जी। अचानक कैसे हो गया हार्ट अटैक? यहाँ से तो बिल्कुल सही गए थे वो। पता नहीं बेटा कैसे हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सोहेल भाई कहाँ है? वो तो खुद इतना परेशान है, इधर उधर लेटा रहता है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसे ही कुछ ना हो जाए। ऐसे कैसे हो जाएगा कुछ, आप हॉस्पिटल लेकर जाएं, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं मेरे घर को तो किसी की नजर लग गई है शायद। अच्छा है कि तुम यहाँ नहीं हो, वरना तो। मॉम आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। ओके नहीं रायत, कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है किन्नों को देखकर कहीं मुझे भी कुछ ना हो जाए। किसी को कुछ भी नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ। ओके मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। झूठ बोलकर खामखा उसे परेशान किया। मैं उसे परेशान नहीं कर रहा, मैं तो उसे वापस बुला रहा हूँ। इस तरह झूठ बोलकर, फिर जब वो आकर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे उसे? हो सकता है कि उसके वापस आने तक सचमुच का हार्ट अटैक हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब देखो, उसके आने की खबर सुनकर माशाल्लाह तुम किस कदर एक्टिव हो गई, वरना बेड पे पड़ी होती रहती थी हर वक्त। आने दो, आने दो, सब ठीक हो जाएगा, संभाल लूंगा मैं। मेरा बेटा आ रहा है। जल्दी जल्दी करो ना सब कुछ, मैं स्लो काम करती हूँ। और वो चूल्हा आहिस्ता कर दो जरा। क्या बात है मम्मी जी, कोई खास बात है? नहीं। अच्छा सब बहुत एक्टिव हुए हैं? क्या हो गया फिर आ गए? तुमसे कुछ कहा था ना मैंने? जी बेगम साहबा, इनका कमरा पूरा साफ करवा दिया और सारी तस्वीरें हटा दी। तस्वीरें हटाने को नहीं कहा था मैंने, सिर्फ मैंने कहा था जितनी भी पुरानी चीजें रखी हैं वो सब हटा दें वहां से। सामने जो चीजें थी वो हटा दी, अब लॉकर्स में कुछ हो तो उनकी चाबी मेरे पास नहीं है। तो भाई ले लो चाबी जाकर किसी से और हटाओ सब चीजें वहां से। चाबियां तो रहित बाबा के पास ही होंगी, वो आएंगे तो उनसे लेकर मैं हटा दूंगा। प्लीज आपको क्या हो गया, उसके आने के बाद करवाएंगे। अच्छा जाए मैं देखती हूँ खुद। जी बेहतर। मम्मी जी क्या वाकई रात वापस आ रहा है? हाँ कोई प्रॉब्लम? आप ही मुझसे कैसे बात कर रही हैं? तुम्हें क्या लगता है जितनी बदतमीजी तुमने मेरे साथ की है उसके बाद तुम्हारी नजर उतारूं? जाओ यहाँ से। आप अब तक वो बात दिन में लिए बैठी हैं। तुम्हें क्या लगता था आज कि मापारा की मौत का सुनकर मैं तुम्हारी सारी हरकतें भूल जाऊंगी? नहीं, तुमने मेरे बेटे के किरदार पर उंगली उठाई, इल्जाम लगाया है उस पर। मैं चाहूं ना तो सोहेल से कहकर तुम्हें अभी घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। सोहेल को वो मापारा की मौत के सदमे से बाहर निकले तो कुछ सुने ना। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए बहुत शर्मिंदा, लेकिन यकीन जाने मम्मी जी वो सब सच था।
और अगर आपको मेरी बात पर जरा सा भी शक है ना, तो जाकर सुहेल की हालत देखें, शायद फिर आप मेरे गुस्से को समझ सकेंगी और मुझे माफ कर देंगी। खैरियत, आप यहाँ? तुम्हें लेने आया था। क्यों, मैं खुद नहीं आ सकती जो आप मुझे लेने आए हैं? मैंने सोचा अभी तुम्हें रास्तों का पता नहीं होगा, इसलिए लेने चला आया। सुबह भी तो आई थी ना, अब तो वापस घर जाने का टाइम है और घर का रास्ता तो सबको ही पता होता। एक्चुअली इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी पड़ी नहीं है, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है मुझे, आज से अलार्म लगा लिया करूँगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि आपसे मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि आप मेरे लिए ड्रेसेस लाएं या मुझे पिक एंड ड्रॉप। चलो, इसे देख क्या रही हो? बाइक पर नहीं आया हूं, रिक्शे पर आया हूं। चलो, देखो सुहेल बेटा, रायत को यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोलना ज़रूरी था, वरना तुम लोग खुद सोचो वो अकेला वहाँ कैसे सरवाइव करता। खुदा ना खास्ता इस डिप्रेशन में से कुछ हो जाता तो। ठीक किया, मैंने नहीं किया, तुम्हारे डैड का मशवरा था। वो कह रहे थे कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और ये तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है, हर वक्त इस तरह डिप्रेस रहते हो, किसी से बात नहीं करते। क्यों बेटा, ऑफिस जाओ, कुछ अपने डैड का हाथ बटाओ, ऑफिस के काम वाम देखो। ठीक है मॉम। वैसे आज तुम्हारे डैड ऑफिस नहीं जा रहे। मैं सोच रहा हूँ मॉम, जब से शादी हुई है बहुत परेशानी आ गई है। क्या हो गया सुहेल, इतने पढ़े लिखे होकर कैसी तवम परस्ती की बातें कर रहे हो? बेटा अगर परेशानियां आ रही हैं तो उसमें बहू का क्या कसूर है? नहीं मॉम, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाजरा जब से आई है तब से परेशानियों में उलझी हुई है। ये भी सोचती होगी कि क्या हम इसीलिए लाए थे इसे यहाँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं सोचती, मैं तो खुद इस घर का हिस्सा हूँ। हो तो, लेकिन तुम्हें भी ज़हनी सुकून तो चाहिए होगा ना, जो तुम्हें यहाँ इस घर में नहीं मिल रहा। बेटा तुम खुलकर कहो, तुम क्या कहना चाहते हो, इस घर में क्या परेशानी है तुम लोगों को? हम लोगों को नहीं मॉम, हाजरा को। ये जब से यहाँ आई है एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो तुम क्या चाहते हो, इस घर से अलग होना चाहते हो? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। सुहेल, मैं मम्मी जी के साथ ही रहूंगी, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। हम कहीं नहीं जा रहे मॉम, बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप हाजरा को कुछ दिन के लिए इसकी मॉम के घर जाने की परमिशन दे दें। मुझे क्यों? मैंने कहा ना मॉम, ये भी इंसान है, इसे ज़हनी सुकून की ज़रूरत है। पहले मापारा को बर्दाश्त करती रही और आप जानती हैं राइत से भी इसकी नहीं बनती। मेरा मशवरा तो यही है कि कुछ दिन उसे वहां रहने दे प्लीज़। तो चली जाए, मैंने कब रोका इसे, बल्कि मैं अभी करीम से कहती हूँ कि वो इसे इसकी अम्मी के घर छोड़कर आ जाएगा। और तुम भी बेटा प्लीज अब इस मूड से निकल आओ, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, ऑफिस से आओ तो बिल्कुल ठीक मूड में आना, वरना राय तुम्हें इस तरह देखकर अपसेट हो जाएगा। ठीक है मॉम।
और आज जाओ तुम अपना सामान पैक कर लो प्लीज। सुहेल ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको इस हालत पे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ है मेरी हालत? तुम जाओ कुछ दिन आराम करो, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। जी चाची, किन ख्यालों में घूमती? कहीं नहीं, चाय निकाल रही हूं। ये दिखाओ, ये तुम्हें सालार ने दिलाए हैं? नहीं, मेरी अपनी है। अच्छा, दरअसल उसे चूड़ियां बहुत पसंद है ना कांच की, मैं समझी शायद। उन्हें पसंद है तो मुझे क्यों दिलाएंगे? दरअसल वो कल शाम को कुछ लेके आया था ना, तो मैं समझी शायद यही होंगे। तो चूड़ियां नहीं, मेरे लिए कपड़े लाए थे। ये वाले कपड़े? नहीं, वो वाले कपड़े जो मैंने सुबह जाते हुए आपके कमरे में रख दिए थे। मेरे कमरे में क्यों? क्योंकि मैं किसी की मेहरबानियां नहीं लेती, और ये बात मैंने वापसी पर आपके बेटे को भी बता दी थी। तुम सालार के साथ मोटर बाइक पे वापस आई हो? नहीं, रक्षा में। कमाल है, मुझे इतना अरसा हो गया नौकरी करते हुए, मैंने आने जाने के लिए वैन लगा रखी है, और तुम्हें एक दिन हुआ है नौकरी स्टार्ट किए, पर तुम रिक्शे टैक्सियों पे आ जा रही हो। बड़े पैसे हैं भाई तुम्हारे पास? रिक्शे टैक्सी का किराया भी तो सालार ने दिया था ना, तो ये मेहरबानी नहीं है? पर तुम तो किसी की मेहरबानियां लेती नहीं हो। ये ले, गर्मा गर्म समोसे। लाओ बेटा, ले आए। जाओ, जाके अपने अब्बा को बुलाओ। मैं इसलिए आई थी आपसे मिलने कि मैं सऊदीया जा रही हूँ उम्रे के लिए। बस अब जो कहा सुना हो माफ कर दीजिएगा। बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन हाजरा तो बता रही थी कि वो आपकी तरफ रहने आ रही है। अच्छा, वाकई? ठीक है, जब मैं आ जाऊंगी तो जरूर आएगी मेरे पास इंशाल्लाह। बैठो बेटा। जी जरूर हाजरा। बेटा तुम अपनी अम्मी के साथ बैठो, उन्हें टाइम दो, मुझे जरा कुछ काम है। एक्सक्यूज मी। इतने बड़े बड़े झूठ बुलवाती हो, किसी दिन पकड़ेगी ना तो मुसीबत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा माँ। और आप क्या चाहती हैं? एक सच के चक्कर में घर छोड़ के चली जाऊं, फिर वापस भेजने के लिए आपको तड़पती हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अपने झूठे मुझे क्यों मुलविस कर रही हो। तो और क्या बोलती,
कि इतने अर्जुन आप कहाँ जा रही हैं? हद करती हो वैसे हाजरा तुम भी। पर क्या कर रहे हैं? इतने रूम से बाहर क्यों हैं? आपको आराम करना चाहिए। कैसी तबीयत है आपकी? बेटा, तुम मेरे लिए अमेरिका से यहाँ आ गए हो, तो क्या मैं कमरे से निकलकर तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आ सकता? डैड, बात ये नहीं है, आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको आराम करना चाहिए अपने रूम में इस वक्त। बेटा, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे बहुत ज्यादा आराम मिलता है, इसलिए तो मैं यहाँ तक आ गया। चले अंदर मेरे साथ। अभी तो आया है और छोटा है, थोड़े नखरे तो उठवाएगा ना, मूड ठीक हो जाएगा उसका। चले यहां बंदर। राहिद ने तो मुझसे बात भी नहीं की, देखा तक नहीं मेरी तरफ। ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो थका हुआ है, आराम करने दो उसे। नहीं, लेकिन उसने तो फोन पर भी महापारा के बारे में उससे कोई बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है। कौन गया था मेरे कमरे में? क्यों, क्या हुआ? कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। किसने हाथ लगाया मेरी अलमारी को? राहिद। किसने मेरे लॉकर को खोला है यार? राहिद, डैड की तबीयत, आराम से बात करो। डैड, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? प्लीज अपने कमरे में जाके आराम करें। मैं ले चलती हूं आपको। सोहेल भाई, मुझे ये बताएं कि किस हॉस्पिटल लेकर गए थे, कौन डॉक्टर था, मेडिकल रिपोर्ट्स कहां पर हैं, मुझे दिखाएं तो सही। अरे बेटा, किन बातों में पड़ गए हो तुम? चलो, तुम्हारी बात मान लेता हूं, मैं आराम करना चाहता हूं, तो मुझे ले चलो कमरे तक। चलो चलो बेटा। अब कहां से लाएंगे रिपोर्ट? अंधेरे में पड़ोगी तो आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी। लाइट ऑन कर लो। रहने दे, मेरी आदत खराब हो जाएगी। रोशनी में पड़ने से आदत खराब हो जाती है? लोगों की बिजली इस्तेमाल करने से तो होती है ना। अम्मी ने कहा है तुमसे? तो कौन सा गलत कहा है? उनका घर है, वो जो चाहे मर्जी कह सकती हैं। तुम्हारा भी घर है, तुम जैसे चाहो रह सकती हो। मेरा इस घर पर और इस घर की किसी चीज पर कोई हक नहीं है। हम यहां पर अपना बुरा वक्त गुजारने आए हैं, इसे आप और मुश्किल ना बनाएं प्लीज। इसीलिए वो कपड़े तुमने अम्मी के कमरे में रख दिए थे, है ना? मैं अब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए आप आइंदा हमारे लिए कुछ ना करें। अगर मैं कहूं ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। अगर आप कर्ज भी कहते ना, तो मैं ना मानती, और फर्ज तो आपका कतई नहीं है। और अगर मैं कहूं कि इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है और तुम्हें हकदार बनाना मेरा फर्ज, तो अपने जुमले की वजाहत करेंगे? पसंद करता हूं तुम्हें तो क्या?
इस घर का इकलौता वारिस हूं मैं, और मेरी पसंद होने के नाते इस घर की हर चीज पर तुम्हारा हक है। वाकई बहुत देखे मैंने आपके जैसे अंधेरी रात में मोहब्बत के दावे करने वाले। रात के अंधेरे में दावे करने वालों में से नहीं हूं मैं। दिन के उजाले में सारी दुनिया के सामने ऐलान करूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। मापारा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रोशनी भरना चाहता हूं, प्लीज। तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी मैं, और जो तुम छोटी छोटी अनायतें मुझ पर कर रहे हो, कल तुम और तुम्हारे घर वाले इसे मेरी कीमत बनाकर मेरे मुंह पर मार देंगे। यही है ना तुम्हारे दिल में?